नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। इस वर्ष क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के इंतजार में जहां किसान परेशान है, तो बारिश कराने अब ग्रामीण ने कई तरह की परंपराओं की शुरुआत कर दी है। एक ऐसी ही पुरानी परंपरा बेंग बिहाव की है, जिसमें मेघ देवता को मनाने मेंढक मेंढकी का विवाह कर महादेव पार्वती सहित देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर बारिश होने की मिन्नतें की गयी। भैयाथान विकास खंड के ग्राम गोविंदगढ़ में ग्रामीणों द्वारा मेंढक की बारात लेकर दर्रीपारा आए, जहां गोविंदगढ़ से आए बारातियों दर्रीपारा के ग्रामीण द्वारा स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने धूमधाम से मेंढक मेंढकी का विवाह रचवाया, जिससे बारिश हो और खेती बाड़ी हो सके। मेघ देवता को प्रसन्न करने ग्राम दर्रीपारा में मंडप सजाकर मेंढक मेंढकी का विवाह रचाया गया। विवाह के पूर्व गांव की महिलाओं ने हल्दी तेल लगाया और सिंदूर लगाकर विवाह के रस्म को पूरा किया। और हम लोग का जैसे गोविंदगढ़ से परंपरा चलते आ रहा है कि जैसे वर्षा नहीं होती है, किसान लोग परेशान रहते हैं और गांव से सुझाव मिलता है कि हम लोग का पूर्वजों से चलते आ रहा है, और बारिश नहीं होने के कारण हम लोग गोविंदगढ़ से बारात लेके आते हैं दर्रीपारा में और मेंढक और मेंढकियों का शादी करवाते हैं, तो इससे अच्छी बारिश होने की संभावना रहती है और होती है, ऐसा हम लोग का उम्मीद है। ऊपर वाले इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ दर्रीपारा में मैं आया हूँ। दिन दिया करने के लिए विधि पूर्वक से जो सियान चलाता हुआ है, वो सियान जो चलाया है उन साथ से हम आया हैं। अब पानी बरसा नहीं बरसा, उन साथ से सियान जो चलाया है ना, उन साथ से हम आए हैं बैंक ब्याह करने के लिए। तो बैंक ब्याह करने से क्या पानी होती है? होता है जब उसलिए हम आते हैं। दोनों गांव के लोगों ने बताया कि इस वर्ष बारिश की कमी होने के चलते क्षेत्र में सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है। जुलाई माह बीतने को है, जिसके बाद भी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। लंबे इंतजार के बाद अब बारिश नहीं होने की स्थिति में पूर्वजों द्वारा संचालित बैंग बिहाव परंपरा करते हैं। महादेव पार्वती सहित मेघ देवता से अच्छी बारिश हो ऐसी कामना करते हैं, जिससे रोपा बीड़ा लग सके। हम लोग मेघनाथ का शादी करने के लिए आए हैं जी, जी। ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ से हम लोग का पूर्वजों लोग मतलब इस प्रोग्राम को करते हुए आए हैं, है ना? इसलिए हम लोग का पूर्वजों का कहना है कि हम लोग जब वर्षा नहीं होता है ना, तब हम लोग यहाँ बारात लेके आते हैं। हम लोग गोविंदगढ़ से मतलब गोविंदगढ़ डुड़का से। और एक जगह कहाँ से आती है? यहाँ दर्रीपारा से, है ना? यहाँ से हम लोग का शादी होता है ना मेंढक और मेंढकी का, तो हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा वर्षा होता है, इसलिए हम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। महादेव का पार्वती जी का हम लोग अच्छे से पूजा पाठ करने के लिए हम लोग गोविंदगढ़ सामाराव से एक बारात मेंढक मेंढिका का दुल्हन दर्रीपारा की और मेंढक का शादी विवाह हम लोग दर्रीपारा में अच्छे से कराते हैं। हमारे पूर्वजों का एक मान्यता है और चलते आ रहा है कि हम लोग मतलब मेंढक और मेंढिका का शादी करते हैं और शादी करके दर्रीपारा का मेंढिका को दुल्हन बना के अपने गोविंदगढ़ समारोह में ले जाते हैं। नाच गाना बारात विदा होने तक चलते रहा। इस दौरान नाश्ता प्रसाद का भी वितरण किया गया। दोनों ग्राम के बेगा ने मेंढक मेंढकी का विवाह कराया। विवाह के बाद ग्रामीणों ने मेंढकी की विदाई की। मैं ग्राम दर्रीपारा से हम लोग हैं। हमारा ग्राम दर्रीपारा में सावन से बारात आता है मेंढक का। हम लोग मेंढका सेट से हैं, है ना? जैसे पूर्वजों को बताया अनुसार की जैसे मेंढक मेंढकी की शादी करवाने से पानी वर्षा होने का संभावना रहता है, इसी रीति रिवाज हम लोग पूर्वजों के बताए अनुसार चला रहे हैं। आज तक अभी शादी उदी करा के विदाई करेंगे हम लोग, इसे समान होता है वर्षा होने का। बाराती मेंढक मेंढकी को लेकर ग्राम गोविंदगढ़ ले गए, जहां वर वधु के घर पहुंचने की रस्म पूरी कर मेंढक मेंढकी को तालाब में छोड़ दिया गया। Hey!